नमस्कार। कक्षा 9 एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 4। उपयुक्त सर्व समीकाओं का प्रयोग करके निम्न में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। इसका दूसरा भाग है 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। हमने अभी पढ़ा था कि जो सर्व समीका हम यहाँ यूज करेंगे वो है a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि तीन रकमें हैं, तीनों के आगे ब्रैकेट के आगे स्क्वेयर है, तो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर ये बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca के बराबर। अब हम ध्यान से देखेंगे कि यहां ए किसके बराबर है। मैं यहां लिख रहा हूं छोटा छोटा, ए किसके बराबर है, थोड़ा सा इसको जूम कर रहा हूं, ए किसके बराबर है, देखो ए को इसके साथ मिलाओ तो यह है ए, यह है 2x, तो ए बराबर है 2x के। बी किसके बराबर है, यहां है बी, यहां है माइनस वाई, तो बी बराबर होगा माइनस वाई के। और सी बराबर होगा, यहां है सी और यहां है जेड, तो सी बराबर होगा जेड के। इन वैल्यूज को आपने याद रखकर और इसमें भरना है, ठीक है बच्चों। आइए देखते हैं, तो हमारे पास आ गया ए का स्क्वायर। आप इधर से भी देख सकते हैं और इधर से भी देख सकते हैं, मैं यह सामने देख सकता हूं, ए किसके बराबर है, पहली रकम जो है 2x, तो ए का स्क्वायर यानी कि 2x का होल स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। बी किसके बराबर था बच्चों, वाई नहीं माइनस वाई, तो माइनस वाई के स्क्वायर के बराबर। प्लस सी किसके बराबर है, सी है तीसरी रकम जेड, जेड के बराबर, जेड का होल स्क्वायर। प्लस आगे है 2 इंटू ए, ए किसके बराबर है 2x के, इंटू बी, बी किसके बराबर है बच्चों माइनस वाई के, बीच में है प्लस, प्लस 2 इंटू बी, बी कितना है माइनस वाई। आराम से धीरे धीरे करना है, गलती नहीं करनी। सी, सी किसके बराबर है, ए बी सी तीसरी रकम जो कि है जेड, प्लस 2, प्लस 2 इंटू सी, सी किसके बराबर है जेड के, इंटू ए, ए यानी पहली रकम, एक पहली रकम क्या थी 2x, ठीक है बच्चों। तो इसे अब हमने हल करना है, ध्यान से देखिएगा आप, ये देखिए 2 का स्क्वायर होता है 4, x का स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर होगा प्लस, प्लस इंटू प्लस, प्लस y का स्क्वायर होगा y स्क्वायर, प्लस ये 2 नहीं है बच्चों, ये z है, तो z का स्क्वायर हो जाएगा z स्क्वायर, ये z है याद रखना बच्चों। प्लस आगे देखते हैं, ये है प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, इसका मतलब यहां प्लस नहीं आएगा, यहां आएगा माइनस, 2 × 2 = 4, आगे कोई नंबर नहीं है, एक्स गुना वाई एक्स वाई, तो ये बन गया 4 × xy, 4xy। आगे देखिए, ये रकम हमने हल कर दी, अब हमने करनी है ये वाली रकम हल, जहां तक प्लस है, 2 × y × z, इसको 2 नहीं मानना, बस इस चीज का ध्यान रखना है आपने बार बार, यह है 2, यह है z, 2 प्लस इंटू माइनस होगा माइनस, 2 × y × z हो जाएगा 2yz, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं, यह है प्लस, यह है प्लस, यह है प्लस, प्लस इंटू प्लस हो जाएगा प्लस, 2 × 2 हो जाएगा 4, जेड इंटू एक्स हो जाएगा जेड एक्स। तो अब ये एक्स स्क्वेयर वाली रकम है, ये वाई स्क्वेयर वाली, ये जेड स्क्वेयर वाली, ये एक्स वाई, ये वाई जेड, ये जेड एक्स, कोई भी रकम एक जैसी नहीं है, समान पद नहीं है, ये आपस में प्लस माइनस हो नहीं सकते, यही हमारा इसका उत्तर है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको ये पार्ट समझ आया होगा, बाकी पार्ट्स के लिए आप मेरे बाकी वीडियोस को देख सकते हैं। धन्यवाद।